जी आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले परफेक्ट कंपटीशन में हमने जितने कंसेप्ट डिस्कस किए हैं उनमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। आपके पास कौन से वाला क्वेश्चन का आंसर, कौन से वाला क्वेश्चन मेरे भाई, मुझे नहीं याद। नहीं 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 रहने दे, ये कोई कंसेप्ट नहीं, नहीं नहीं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। जी जी और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन नहीं जी जी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मोबिलाइज हो सकते हैं, बिल्कुल देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शिफ्ट करने का मतलब ये है कि क्या आप अपने लेबर वगैरह को या जो दूसरी मशीनरी है उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इसका यह मतलब नहीं है कि फर्म टोटली क्लोज हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी, इसका यह मतलब नहीं है। हो सकता है फर्म डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रही हो, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी पेप्सी के केस में, वो हो सकता है वो बोतल भी बना रहे हो, कोल्ड ड्रिंक भी बना रहे हो, वो चिप्स भी बना रहे हो, और वो हो सकता है मिनरल वाटर भी सेल कर रहे हो। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मोबिलाइज करने का मतलब यह है कि एक प्रोडक्ट से निकाले और दूसरी प्रोडक्ट में इंक्लूड कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, ये भी मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन इसमें कंपनी जो है वो बंद नहीं हो रही, कंपनी चल रही है। जी और कोई क्वेश्चन, चलिए आज के कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं जो मार्केट स्ट्रक्चर, वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आपको याद होगा हमने टाइप्स ऑफ मार्केट या टाइप्स ऑफ सेक्टर्स पढ़े थे, तो उनमें बड़ी क्लासिफिकेशन थी परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन हम पढ़ चुके हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन के आगे फर्दर तीन टाइप्स थे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपली और मोनोपोली। इम्परफेक्ट कंपटीशन की जो फर्दर तीन टाइप्स हैं उनमें से आज पहली टाइप हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सबसे पहले कह रहे कि डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स हम ये पढ़ेंगे, जिस तरह हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा। कंसेप्ट्स को डिस्कस करने से पहले परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स पढ़ी, इसी तरह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी हम पहले डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, फिर इसके बाद फीचर्स पढ़ेंगे, यानी वो कौन सी खास बातें हैं जो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को डिफ्रेंशिएट करती हैं दूसरे कंपटीशन, दूसरे मार्केट स्ट्रक्चर्स है, यानी ऐसी बातें जो कि सिर्फ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमें नजर आएंगी, परफेक्ट कंपटीशन में नजर नहीं आएंगी, या जो दूसरे मार्केट स्ट्रक्चर हैं उनमें नजर नहीं आएंगी। फीचर्स, खास तौर पे फीचर्स है मुराद करेक्टरिस्टिक्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की क्या होंगी। इसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के एडवांटेजेस, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के डिसएडवांटेजेस, फिर इसके बाद जिस तरह परफेक्ट कंपटीशन में हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था उसी तरह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें इक्विलिब्रियम में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में कौन सा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, और फिर चेंज इन फर्म इक्विलिब्रियम, फर्म इक्विलिब्रियम चेंज कैसे हो सकता है। ठीक है, ये एक छोटा सा सेपरेट कंसेप्ट है जो उसने हमें इंट्रोड्यूस कराया इस टॉपिक में। जी तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन और एग्जाम्पल से। डेफिनेशन कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है। अच्छा जहन में रखिएगा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली का वर्ड यूज नहीं कर रहा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का वर्ड यूज कर रहा हूं। असल में जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है उन्हें जब डिवाइड किया जाता है तीन हिस्सों में, तो पहले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फिर ओलिगोपली और फिर मोनोपोली, और टॉप पे परफेक्ट कंपटीशन। ये क्लासिफिकेशन जो होती है ना चार तरह के मार्केट स्ट्रक्चर, इनमें एक जो बेसिक डिफरेंस है वो है नंबर ऑफ सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन में हमारे नंबर ऑफ सेलर्स सबसे ज्यादा होते हैं, आपको याद होगा हमने पढ़ा था लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स,
और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी बहुत से सेलर्स होते हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन की निस्बत तादाद कम होती है। ओलिगोपली में नंबर ऑफ सेलर सिर्फ चंद एक होते हैं, 5-7, और मोनोपोली में नंबर ऑफ सेलर सिर्फ और सिर्फ एक होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली तादाद के लिहाज से भी क्लासिफिकेशन में फर्क किया जा सकता है। परफेक्ट कंपटीशन में सेलर्स की तादाद सबसे ज्यादा है, मोनोपोली में सबसे कम, और इसी तरह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपली में तादाद कम होती है परफेक्ट कंपटीशन की नस्बत। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। कहता है ये कैसा कंपटीशन है, ऐसा जिसमें मैनी सेलर्स हैं। सेलर्स कितने हैं? मैनी, यानी बहुत से हैं। मैनी का मतलब ही बहुत से, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ सेलर से कम है। यहां पे सेलर्स की तादाद क्या है? मैनी सेलर्स, यानी बहुत से सेलर्स हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन की जिसमें तादाद कम। अल्फाज का आपने फर्क जहन में रखना है। परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यहां पे पढ़ रहे हैं मैनी सेलर्स। सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसी, लेकिन एग्जैक्टली एक जैसी नहीं। सिमिलर मतलब मिलती जुलती, लेकिन होमोजिनस नहीं। होमोजिनस का मतलब होता है वो दो चीजें जो एग्जैक्टली एक जैसी हो। ठीक है, सिमिलर का मतलब होता है कि एग्जैक्ट मिलती जुलती है, यानी क्लोज सब्स्टिट्यूट है, क्लोज सब्स्टिट्यूट कह ले, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते थे चीजें एक दूसरे के। जैसे कंसेप्ट समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए। अगर हम पेप्सी की एक बोतल को पेप्सी की ही दूसरी बोतल के साथ कंपेयर करें, हम कहेंगे ये तो होमोजेनस है, बिल्कुल दोनों एक जैसी हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एक दूसरे का। लेकिन पेप्सी को कोक के साथ कंपेयर करें तो हम कहेंगे कि ये सिमिलर प्रोडक्ट तो हैं, लेकिन होमोजेनस नहीं है, एग्जैक्ट एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं, क्लोज सब्स्टिट्यूट है। आप देखें पेप्सी और कोक, इनमें भी थोड़ा फर्क होता है। जो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इनको, वो इन दोनों में टेस्ट का डिफरेंस जो है उसको समझते हैं कि इन दोनों का टेस्ट डिफरेंट। आम बनने के लिए शायद ये ना हो फर्क। तो जो हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली फर्म है, ये चीज जो सेल कर रही होती है ये होमोजिनस नहीं होती, लेकिन सिमिलर मिलती जुलती होती है। Having slight control over price and output, और जो monopolistic competition में firms होती हैं, इनका थोड़ा सा control होता है price और output पे। याद रखें perfect competition के साथ compare करते रहें, इससे एक तो ये होगा perfect competition के concept भी हमारे revise होते रहेंगे, दूसरा perfect competition के knowledge की base पे monopolistic competition को समझना आसान होगा। परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या पढ़ा था? क्या परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म का प्राइस और आउटपुट पे कंट्रोल होता है? नहीं होता, इसलिए हमने उसे कहा था उसका प्राइस पे कंट्रोल नहीं, वो प्राइस टेकर है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली फर्म का प्राइस पे थोड़ा सा कंट्रोल, ज्यादा नहीं थोड़ा सा कंट्रोल होता है। इसका मतलब है हम इसे कह सकते हैं कि ये प्राइस टेकर नहीं, प्राइस मेकर है। प्राइस को, अपनी प्राइस को खुद डिसाइड कर सकती है, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को खुद डिसाइड कर सकती है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइट कंट्रोल होता है इनका, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत से सेलर्स हैं जो कि सिमिलर प्रोड्यूस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। प्राइस में ज्यादा फर्क आया तो कंज्यूमर दूसरी तरफ शिफ्ट होने का खतरा होता है। एग्जाम्पल्स क्या दे रहा है? अच्छा, एग्जाम्पल्स से आपने कंसेप्ट समझना है। आपके जहन में और भी एग्जाम्पल्स आ रही होंगी, वो भी ठीक है, आपने लेकिन कंसेप्ट समझना है। कहता है सोप्स, टूथपेस्ट। अब देखिए ये डिफरेंट मार्केट में जब आप जाते हैं तो डिफरेंट सोप्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट टूथपेस्ट अवेलेबल है। अब वो टूथपेस्ट एक जैसे ही हैं, आप शायद अगर पैकिंग को अलहदा कर दे तो पहचान ना सके कि कौन सा टूथपेस्ट जो है किस कंपनी का है। बाज़ुकात कलर्स में उन्होंने कलर चेंज किए होते हैं जिससे आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, लेकिन अगर आप उनका यूज देखें तो यूज के लिहाज से तो दोनों प्रोडक्ट्स, एक कंपनी की टूथपेस्ट और दूसरी कंपनी की टूथपेस्ट, यूज के लिहाज से तो दोनों तकरीबन एक जैसी हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क हर कंपनी ने अपने टूथपेस्ट का किया होता है। ये साइज के डिफरेंट, ये जो फर्क होता है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट का फर्क, ये डिफरेंट पैरामीटर्स के मुताबिक हो सकता है। साइज के लिहाज से हो सकता है, कलर के लिहाज से हो सकता है, स्मेल के लिहाज से हो सकता है। इसी तरह सोप्स की एग्जाम्पल है, इनमें भी एक कंपनी का सोप और दूसरी कंपनी का सोप अगर आप देखें, इसेंशली तकरीबन एक जैसी प्रोडक्ट है,
लेकिन अपनी प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए उसमें कलर फ्रेग्रेंस वगैरह जो है इस तरह की चीजों को डिफरेंशिएट कर पैकिंग चेंज कर देते हैं। तो ये एग्जांपल्स अगर आप देखें तो इनमें प्रोडक्ट तकरीबन एक दूसरे का सब चीज जुड़ा है, लेकिन हर कंपनी ने हर फर्म ने थोड़ा थोड़ा अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया होता है। अगर ये डिफरेंशिएट ना किया होता, जैसे चीनी की एग्जांपल ले ले, उनमें एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से डिफरेंशिएट नहीं किया अपनी प्रोडक्ट को, तो उसको हम कहें परफेक्ट कंपटीशन की एग्जांपल में लेके डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे कंपनीज ने डिफरेंट पैरामीटर्स को सामने रख के फ्रेग्रेंस के लिहाज से, उसके साइज के लिहाज से, कलर के लिहाज से, पैकिंग के लिहाज से एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट किया है। अब ये डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, इसका फायदा क्या होता है, ये भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। लेकिन पहले परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की नेचर समझे, ये एग्जांपल समझ आ गई। इसी तरह कॉलेज टेक्स्ट बुक्स है, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो निस्बतन छोटी है, लेकिन अगर आप यूएसए की इकोनॉमी का एनालिसिस करें तो उसमें एक जैसे अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सी गुड्स अवेलेबल, बहुत सी बुक्स अवेलेबल होती हैं। और सिलेबस, जैसे अगर हम आईकैप की बात करें, पाकिस्तान छोटी इकोनॉमी है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ, आपके पास आईकैप की बुक भी अवेलेबल है, आईकैप का स्टडी टेक्स्ट। स्टडी टेस्ट के अलावा कुछ दूसरे पब्लिशर्स जो होते हैं उन्होंने भी आईकैप के तैयारी करने के लिए बुक्स पब्लिश की हैं। अगर आप देखें तो बेसिकली जितनी भी बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल है, इंक्लूडिंग आईकैप बुक, उनका सिलेबस टॉपिक्स एक जैसे हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका का थोड़ा फर्क होता है। किसी में एग्जाम्पल्स होती हैं, किसी में एग्जाम्पल्स नहीं होती हैं, किसी में क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, किसी में क्वेश्चन कम होंगे, किसी में पास पेपर साथ में शामिल किए हैं, किसी में नहीं किए गए, तो ये डिफरेंट वेरिएशन पॉसिबल है। लेकिन बेसिकली सारी बुक्स का जो सिलेबस है वो एक ही होता है, वो क्या, जो आईकैप ने दिया है। तो हम कह सकते हैं कि बेसिक गुड तो सेम है, हाँ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे एक को दूसरे से फर्क किया जा सकता है। तो ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की एग्जाम्पल। सबसे अहम बात हमें क्या समझ में आई कि गुड्स सिमिलर होंगी तकरीबन एक जैसे, लेकिन एग्जैक्टली एक जैसी नहीं होगी, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन होगी। होमोजेनस का अपोजिट बताया था ना आपको, डिफरेंशिएशन होता है, वो कहते हैं एग्जैक्टली होमोजेनस नहीं होंगी प्रोडक्ट्स, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन होगी। ये डिफरेंशिएशन किस बेस पे हो सकती है, पैकिंग की बेस पे हो सकती है, कलर की बेस पे हो सकती है, फ्रेग्रेंस की बेस पे, और दूसरी जो पैरामीटर्स। ये क्लियर हो गया आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल। डेफिनेशन में सबसे अहम चीज फिर बता रहा हूं, मैनी सेलर्स होंगे, लार्ज नंबर नहीं है लेकिन मैनी है, बहुत से हैं। सिमिलर प्रोडक्ट, तकरीबन एक जैसी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं लेकिन होमोजेनस नहीं है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है, यूं कह ले। और हर, चूंकि प्रोडक्ट का फर्क होता है तो हर फर्म अपनी प्रोडक्ट की प्राइस दूसरी फर्म से डिफरेंट चार्ज कर सकती। इकोनॉमिक थ्योरी क्या है, इकोनॉमिक थ्योरी यह है कि अगर कंज्यूमर को लगे ना ये दो चीजें एक जैसी हैं, कंज्यूमर एक चीज की प्राइस हाई और दूसरे की लो पे नहीं करेगा, वो दोनों की प्राइस एक जैसी पे करेगा। अगर हमें पता चले कि कोक और पेप्सी दोनों एग्जैक्टली एक ही चीज है तकरीबन, क्या हम कोक की हाई प्राइस और पेप्सी की लो प्राइस पे करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें पता चले दोनों प्राइस में फर्क है तो फिर हम एक जो प्रोडक्ट की प्राइस हाई और दूसरे की लो पे करने को तैयार होंगे। अगर फर्ज कीजिए आपको एक बोतल में दो बोतलें आपके सामने रखी जाएं, उन दोनों बोतलों में पानी भरा है, आपसे कहा जाए इसकी प्राइस 5 रुपये है, इसकी प्राइस 20 रुपये है, आप पे करने को तैयार होंगे 20 रुपये प्राइस? आप कहेंगे नहीं, दोनों में तकरीबन एक जैसी है, एक जैसा पानी, प्रोडक्ट एक जैसी है। लेकिन अगर एक बोतल जो है वो सिंपल रखें और दूसरी बोतल के ऊपर नेस्ले प्रिंट करवा दें, अब आप प्राइस हाई पे करने को तैयार, क्योंकि नेस्ले ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के जरिए से अपने कंज्यूमर के जहनों में ये इमेज डेवलप कर दिया है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो दूसरी प्रोडक्ट से बेहतर है, डिफरेंट है और बेहतर है। इसीलिए सिमिलर प्रोडक्ट अगर आप नेस्ले के ब्रांड के साथ परचेज करेंगे तो आप हाई प्राइस पे करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि आपके जहन में है कि ये प्रोडक्ट दूसरों जैसी नहीं है, डिफरेंट है और उनसे बेहतर है। इसीलिए यहां पे वो कहते हैं प्रोडक्ट्स जो है वो सिमिलर, मिलती जुलती तो होंगी, लेकिन फर्म्स ने एडवर्टाइजमेंट के जरिए से अपने कंज्यूमर के जहन में ये कंसर्न बिठाया होगा कि नहीं, हमारी प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंट है।
जैसे आप सोप्स की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वो कहते हैं हर एक कंपनी की कोशिश होती है कि अपनी प्रोडक्ट को दूसरे से डिफ्रेंशिएट करे। वो कोई कहते हैं कि वो कोई खुश्की सिकरी के लिए है, कोई साफ कुछ शैम्पू वगैरह में भी इसी तरह होता है, और कोई कहते हैं जी हाँ जो भी एग्जाम्पल्स है शैम्पू में भी इसी तरह होता है, कोई कहता है लंबे बाल के लिए, कोई कहता है खुश्की सिकरी के लिए, और कोई मतलब जो जो भी उनकी एडवर्टाइजमेंट के तरीके। चलिए फीचर्स की तरफ आते हैं, फीचर्स की तरफ। फीचर्स को आपने गौर से समझना है, अगर फीचर्स को समझ लिया तो आपने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को समझ लिया। अगर फीचर ना समझे तो फिर इसका मतलब है आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। जो हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट है याद रखे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इक्विलिब्रियम, ये भी फीचर्स पे बेस कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे अहम कंसेप्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स समझना है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहली चीज कहता है मैनी प्रोड्यूसर्स होंगे। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या हैं, मैनी बहुत से प्रोड्यूसर्स हैं। अच्छा लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स नहीं कह रहा, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स नहीं, सेलर प्रोड्यूसर एक ही बात है, ये नहीं कह रहा बेतहाशा है, लेकिन कह रहा बहुत से हैं। ठीक है, मैनी प्रोड्यूसर्स, चंद एक नहीं है, बहुत से हैं। इसका मतलब ये हर प्रोड्यूसर प्रोबेबली मार्केट में अपना स्मॉल शेयर प्रोड्यूस कर रहा होगा। किसी प्रोड्यूसर के मार्केट से चले जाने से मार्केट को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। देखिए अगर प्रोड्यूसर सिर्फ एक हो या तीन चार हो पांच हो, तो शायद किसी एक प्रोड्यूसर के चले जाने से मार्केट में फर्क पड़े ज्यादा। लेकिन अगर प्रोड्यूसर की तादाद बहुत ज्यादा है तो एक नए प्रोड्यूसर के आने से या पुराने चले जाने से मार्केट को कोई ज्यादा फर्क नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी एक सिंगल प्रोड्यूसर इस केस में भी मार्केट पे कंप्लीट कंट्रोल नहीं रखता आउटपुट या प्राइस पे, थोड़ा बहुत रखता है। परफेक्ट कंपटीशन में तो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं था ना प्राइस और आउटपुट पे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है सही लेकिन थोड़ा बहुत, सिर्फ स्लाइड कंट्रोल। इसके बाद नॉलेज इज वाइड स्प्रेड बट नॉट परफेक्ट, ये अहम कोई फीचर्स नहीं है। हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन में क्या अजम्पशन पड़ी थी, कि कस्टमर को प्राइसेस के बारे में परफेक्ट नॉलेज है, याद है कस्टमर को पता है कि मार्केट में कितनी दुकानें हैं, किस दुकान पे यही चीज किस प्राइस में मिल रही है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी नॉलेज कस्टमर्स का बहुत ज्यादा है लेकिन परफेक्ट नहीं है। अब देखिए परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन को असल में थोड़ा थोड़ा रिलैक्स कर रहा है वो, ठीक है। वहां पे था लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यहां पे मैनी सेलर्स, वहां पे था नॉलेज इज परफेक्ट, यहां पे क्या कह रहा है नॉलेज इज वाइड स्प्रेड, ज्यादा है कंज्यूमर का लेकिन परफेक्ट नहीं है। फिर इसके बाद नॉन होमोजेनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स एक जैसी नहीं होती। एक जैसी नहीं होती इसका मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएटेड होती हैं। एक नॉन होमोजेनस का मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएटेड, यानी एक प्रोडक्ट को आप दूसरी प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मार्केट में एक शैम्पू अवेलेबल है दूसरा शैम्पू अवेलेबल, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसको। डिफ्रेंशिएशन की वजह से क्या पॉसिबल होता है भला, डिफ्रेंशिएशन की वजह से आप प्राइस को चेंज कर सकते हैं। आप ये क्या, अगर कंज्यूमर के जहन में यह बात बैठ गई कि आपकी प्रोडक्ट दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट से डिफरेंट है, तो याद रखे कंज्यूमर डिफरेंट प्राइस पे करने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर कंज्यूमर के जहन में यह बात बैठ गई कि दोनों प्रोडक्ट्स एक जैसी हैं, कंज्यूमर डिफरेंट प्राइस पे नहीं करेगा। जैसे कॉलेजेस हैं, फर्ज कीजिए अगर आपको यह पता चले कि ये कॉलेज और साथ वाला दूसरा कॉलेज जो है इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दोनों सेम है, दोनों सेम है, क्या आप एक कॉलेज की हाई फी पे करेंगे? नहीं, आप कहेंगे भाई जब जब जो सर्विस ऑब्टेन कर रहे हैं वो दोनों एक जैसी हैं तो फिर हम हाई फीस पे नहीं करेंगे, लो फीस की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर कोई एक कॉलेज फॉर एग्जांपल अपनी एडवर्टाइजमेंट की वजह से या किसी और चीज की वजह से, अपनी क्वालिटी की वजह से आपके जहन में ये बात बिठा दे कि जी यहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो डिफरेंट है और वो बेहतर हैं डिफरेंट पैरामीटर्स की बेस पे, फॉर एग्जांपल वो कि जी टेस्टिंग सिस्टम यहाँ पे हमारा ये है, हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो फॉर एग्जांपल पेपर चेक करेंगे आपके, वो आपके रेगुलर टेस्ट होंगे, आपको फीडबैक दिया जाएगा और इसके अलावा दूसरी आपको फैसिलिटीज जो हैं अगर आपको बता दें कि यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल हैं, फिर आप प्राइस हाई पे करने को तैयार होंगे।
तो ये नॉन होमोजेनस होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। इसकी वजह से फर्म का प्राइस पे थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, वो किसी हद तक दूसरी फर्म की निस्बत अपनी प्राइस को हाई कर देते हैं, कंट्रोल आ जाता है। तो ये नॉन होमोजेनस, ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। नॉन होमोजेनस का मतलब क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड से फिर फायदा क्या होता है फर्म को? फर्म को फायदा क्या होता है? प्राइसेस को अपनी कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक उन्हें चेंज कर सकते हैं। फिर प्रोड्यूसर हैव सम इन्फ्लुएंस ओवर प्राइस, प्रोड्यूसर का कुछ इन्फ्लुएंस है प्राइस पे, यानी वो किसी हद तक प्राइस मेकर है, किसी हद तक, यानी थोड़ा बहुत प्राइस को वो चेंज कर सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते। अब ये नहीं फर्ज कीजिए एडवर्टीजमेंट के जरिए से एक शैम्पू शैम्पू बनाने वाली कंपनी ने कहा कि ये शैम्पू जो है वो 100 रुपए की बोतल है और दूसरी कंपनी उसी साइज की बोतल को 250 में बेचना शुरू कर दे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंज्यूमर को पता है कि दोनों में फर्क होगा, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क होगा, ज्यादा नहीं। तो यहां पे प्रोड्यूसर हैव सम इन्फ्लुएंस, थोड़ा बहुत प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए हमने उन्हें कहा कि ये प्राइस मेकर हैं। याद रखें, हम इसके बाद पढ़ेंगे ओलिगोपली, उनको भी कहेंगे प्राइस मेकर है। हम इसके बाद पढ़ेंगे मोनोपोली, उसको भी कहेंगे प्राइस मेकर है। लेकिन जब तीनों का कंपैरिजन करेंगे, हम कहेंगे सबसे बड़ी प्राइस मेकर कौन है? मोनोपोली, उसका तो फुल कंट्रोल है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ये भी प्राइस मेकर है, प्राइस मेकर मोनोपोली भी है, लेकिन इसका स्लाइट कंट्रोल है, सम इन्फ्लुएंस है, जबकि मोनोपोली के केस में हम पढ़ेंगे कंप्लीट कंट्रोल है। नेक्स्ट, बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स टू एंट्री क्या होते हैं पता है आपको? मार्केट में किसी को आने से रोकना, कैसे रोका जाएगा? उधर बदमाश में बैठा दिए जाएंगे, भाई जो मार्केट में उड़ा दो उसे, नहीं ऐसे नहीं होगा। बिजनेस में इस तरह ये बैरियर्स टू एंट्री नहीं होते, बल्कि क्या बैरियर्स टू एंट्री होते हैं? वो लीगल होते हैं, इलीगल नहीं होते, लीगल होते हैं, स्ट्रेटजिक होते हैं, स्ट्रक्चरल बैरियर ऑफ एंट्री होते हैं। ये क्या है, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन हम आगे करेंगे इसी चैप्टर में, लेकिन ज़हन में रखिएगा बैरियर्स ऑफ एंट्री। बताइए परफेक्ट कंपटीशन में थे कि नहीं थे? परफेक्ट कंपटीशन में बैरियर्स ऑफ एंट्री थे कि नहीं थे? नहीं थे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है, लेकिन ना होने के बराबर, बहुत कम। अब देखें, आगे मैंने कंसेप्ट पढ़ाया नहीं, लेकिन अभी पूछ रहा हूं आपसे, बैरियर्स ऑफ एंट्री परफेक्ट कंपटीशन में थे? नेक्स्ट टाइप आया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसमें है? कम है। नेक्स्ट टाइप आएगी ओलिगोपली, उसमें बैरियर्स ऑफ एंट्री होंगे क्या? ज्यादा होंगे। और फिर नेक्स्ट टाइप आएगी मोनोपोली, उसमें तो बेतहाशा होंगे बैरियर्स ऑफ एंट्री, उसमें तो इतने ज्यादा बैरियर्स ऑफ एंट्री होंगे कि कोई एक फर्म भी नहीं आ सकेगी। लेकिन क्या मोनोपोलिस्टिक में दूसरी कोई नई फर्म आना चाहे? गौर से सुन के बताइएगा, इसके ऊपर आगे एक कंसर्न बेस कर रहा है इस क्वेश्चन के ऊपर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या कोई दूसरी फर्म आना चाहे? आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, ठीक है। तो हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी उसको, लेकिन आ सकती है, कोई प्रॉब्लम, रोक टोक नहीं है, थोड़ी बहुत बैरियर्स हैं, लेकिन लो बैरियर्स हैं। लो का मतलब है दूसरी फर्म आसानी से आ सकती हैं, थोड़े बहुत बैरियर्स हैं, लेकिन आ सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं है ज्यादा। ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब है ब्रांड लॉयल्टी? अब देखें, फर्ज कीजिए मैं आपसे ये पूछता हूँ कि एक कंपनी के मोबाइल और दूसरी कंपनी के मोबाइल में क्या फ़र्क है? अब देखें, मोबाइल तो बहुत से हैं, तो आप कहें, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ भाई जैज़ के सिम में और यूफोन के सिम में क्या फ़र्क है जी? यूफोन क्या है? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या कहना है। हाँ, स्लोगन देखें, लेकिन लेकिन अगर अगर कोई एक बंदा जो कोई एक सर्विस को यूज कर रहा है, ब्रांड लॉयल्टी है, एडवर्टीजमेंट के जरिए से अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करते रहते हैं, तो वो उसी को प्रेफर करेगा, ठीक है, उसी को प्रेफर। इसी तरह आप जो डिफरेंट अपनी डेली लाइफ में चीजें इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी अगर आप देखें तो आप जो प्रेफर करते हैं ब्रांड लॉयल्टी को। अब फर्ज कीजिए एक बंदा कोई एप्पल का फोन यूज कर रहा है, अगर नया मॉडल आया सैमसंग का, क्या वो उस पर शिफ्ट कर जाएगा? नहीं। इसी तरह कोई बंदा अगर सैमसंग का मॉडल यूज कर रहा है, एप्पल का नया मॉडल आया, क्या उस पर शिफ्ट कर जाएगा? प्रोबेबली नहीं,
अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड है, याद रखे ब्रांड लॉयल्टी का मतलब यही है, कंज्यूमर ब्रांड को प्रेफर करेंगे, वो दूसरे ब्रांड की तरफ नॉर्मली शिफ्ट नहीं करते अगर ब्रांड लॉयल्टी है। और ब्रांड लॉयल्टी कंपनी क्रिएट करती है, कौन क्रिएट करता है आप बता सकते हैं कंपनी कैसे ब्रांड लॉयल्टी पर इंश्योर? एडवर्टाइजमेंट के जरिए से। इसका मतलब यह हुआ परफेक्ट कंपटीशन में तो हमने नहीं पढ़ा था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पढ़ रहे हैं। क्या कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो फर्म होती है वो मार्केटिंग करती है। अच्छा, मार्केटिंग से क्या होता है भला? ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड बनता है। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड आप देखें वो हैवी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हैवी मार्केटिंग करते हैं। अच्छा, इन बताइए जरा लिंक डेवलप कीजिए कंसेप्ट के दरमियान में, के हैवी मार्केटिंग की एडवर्टाइजमेंट की, इससे क्या हुआ? ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट हुई। ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट हुई तो मुझे बताइए इसका डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? डिमांड इलास्टिक होगी, इन इलास्टिक, डिमांड इन इलास्टिक होगी। इसका मतलब ये हुआ परफेक्ट कंपटीशन में तो मार्केटिंग नहीं थी, ब्रांड लॉयल्टी नहीं थी, डिमांड इन इलास्टिक नहीं थी, बल्कि परफेक्टली इलास्टिक थी। याद है आपको डिमांड कर्व? परफेक्ट कंपटीशन में नहीं, ठहरे जरा, परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व इलास्टिक था, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। भाई कैसे पता चला? हमने तो परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व बनाया ही नहीं था। नहीं, कंसेप्ट समझ आया भैया? नहीं, एक अपने अंदर जो आपके अंदर इकोनॉमिक्स है ना, उसको थोड़ा सा होल्ड पे रखें। मुझे सिर्फ ये बताइए, परफेक्ट कंपटीशन हमने डायग्राम बनाए, उसमें डिफरेंट कर्व बनाए, उसमें एवरेज रेवेन्यू कर्व बनाया, मार्जिन रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, मार्जिन कॉस्ट, चारों कर्व बनाए। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट ये दे रहा हूँ, परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व था परफेक्टली इलास्टिक। आप एग्री कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं नहीं, मुझे बताइए हमने तो डिमांड कर बनाया ही नहीं परफेक्ट कंपटीशन में, तो कैसे पता चला आपको कि परफेक्टली इलास्टिक है? गलत, आप नहीं पढ़ गया है। उसमें लिखा हुआ है एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू डिमांड कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व। तो बताइए परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू कर्व ये था, तो यही डिमांड कर्व होगा। अगर कंसेप्ट समझ रहे हैं तो अगली बात मुझे बताइए, क्या इम्परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू कर्व या डिमांड कर्व इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक होगा? बताइए क्या इसी तरह का होगा एवरेज रेवेन्यू कर्व? ये एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये मार्जिन है। बताइए डिमांड कर्व कौन सा है, एवरेज रेवेन्यू कर्व या मार्जिन रेवेन्यू? अब देखिए ये इन इलास्टिक है कि नहीं है? परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं है। तो क्या इससे साबित होता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा? इन इलास्टिक। और इन इलास्टिक किस वजह से बना? मार्केटिंग की वजह से, ब्रांड लॉयल्टी की वजह से। लिंक करवा दूं कंसेप्ट, चैप्टर 3 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ब्रांड लॉयल्टी था कि नहीं था? क्या कंसेप्ट वहां पढ़ा था? ब्रांड लॉयल्टी होगी तो डिमांड इन इलास्टिक होगी। याद है, यहां पे वही कंसेप्ट आ गया। मार्केटिंग के जरिए से फर्म्स क्या कर रही हैं? ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट कर रही है। ब्रांड लॉयल्टी से फर्म को क्या फायदा होता है? फिर डिमांड इन इलास्टिक हो जाती है, फर्म अपनी प्राइस ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। अब जो कंपनी जितनी ज्यादा डिमांड, जितनी ज्यादा मार्केटिंग करेगी, जितनी ज्यादा ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करेगी, उतनी ज्यादा प्राइस हाई कर सकती है। आईफोन क्लासिक एग्जांपल है, इससे ज्यादा किसने ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करना है? वो देखें, वो मोबाइल तो वही है ना भाई, कॉल आनी कॉल जानी, SMS जाना जाना, बाकी तो कुछ नहीं है। और वही फंक्शन तकरीबन आपको 20,000 के मोबाइल में भी मिल सकते हैं, लेकिन लोग 1.5-1.5 लाख पे कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि मार्केटिंग के जरिए से उन्होंने पहले ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट की, और फिर ब्रांड लॉयल्टी की वजह से डिमांड इन इलास्टिक, प्राइस के ऊपर कंट्रोल आ गया। जी ये कौन है भाई, ये कहां से आए? और भाई कहां से लेके आए इनको? ये हमारी क्लास में पहली दफा आए ना, ये आए, इनको थोड़ा सा पीछे आए हैं।
इनकी इकोनॉमिक्स ये ना मुझे तबाह बर्बाद करके रख, अब भाई इनको पीछे ले जा थोड़ा, इनको होल्ड कर। और भाई मैं जो एग्जांपल याद करके हम मुझे वो तो बोलने तो भूल जाएंगे यार, ऐसे ना करें। अब सारा अब देखे ना डिस्टर्ब कर, सारा दोबारा पढ़ना पड़ेगा, भूल गया सारा कुछ। नहीं दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं पढ़ना पड़ेगा। और अब 10 मिनट एक्स्ट्रा भी बैठना पड़ेगा इन भाई की वजह से। अब सुने पढ़ने क्या जा रहे हैं, फीचर्स। किसके फीचर्स? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। पढ़ते जाए, एग्री करते जाए। मैनी प्रोड्यूसर्स एग्री करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर ने। दूसरा, नॉलेज इज वाइड स्प्रेड बट नॉट परफेक्ट। फिर प्रोडक्ट क्या है, होमोजेनस है क्या, नॉन होमोजेनस। नॉन होमोजेनस का मतलब क्या है, थोड़ी बहुत डिफ्रेंशिएटेड है दूसरी प्रोडक्ट से। फिर इसके बाद प्रोड्यूसर्स हैव सम इन्फ्लुएंस ओवर प्राइस, यानी यहां पे ये प्राइस मेकर है, प्राइस टेकर में। याद रखिए, एमसीक्यूज में यूज होगा ये कंसेप्ट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस मेकर है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर है। फिर बैरियर्स ऑफ एंट्री क्या है, लो है, यानी एंट्री एग्जिट आसानी से हो सकता है, हो सकता है, बस थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ब्रांड लॉयल्टी एग्जिस्ट करती है कैसे, मार्केटिंग के जरिए से। और इस ब्रांड लॉयल्टी की वजह से डिमांड क्या है हमारी, इनइलास्टिक। अब देखे एडवांटेजेस, अगर फीचर समझ आ गए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इन्हीं फीचर्स से रिलेट कर रहे होते हैं। इन्हीं फीचर्स को आगे हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज में समझिए क्लासीफाई कर रहे हैं। पहले एडवांटेजेस नो सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एंट्री, एग्री करते हैं। बैरियर्स ऑफ एंट्री सिग्निफिकेंट, थोड़े बहुत हैं इनसिग्निफिकेंट से, यहां पे भी ये पढ़ा था, लो है इनसिग्निफिकेंट से, यहां पे भी यही पढ़ रहे हैं कि बहुत ज्यादा बैरियर्स टू एंट्री नहीं है, यानी आसानी से न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर हो सकती हैं, एग्री करते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में न्यू फर्म आसानी से एंटर, बैरियर्स ऑफ एंट्री जो है कितनी किस्म के होते हैं, इलीगल भी होता है कोई, अनएथिकल भी होते हैं कोई, नहीं कौन से होते हैं, लीगल, स्ट्रेटेजिक, स्ट्रक्चरल। एक कह रहा है डिफरेंशिएशन इंक्रीजिंग कंज्यूमर चॉइस, वो कहता है डिफरेंशिएशन की वजह से कंज्यूमर के पास डिफरेंट चॉइस अवेलेबल है, ठीक है। वो चाहे बालों को घना करने वाला शैम्पू इस्तेमाल करने, चाहे लंबा करने वाला, चाहे खुश्की सिकरी खत्म करने वाला, डिफरेंट चॉइसेस है, चाहे सारे इस्तेमाल कर लें, हमें से कोई गर्ज नहीं है भैया, हमें कंसेप्ट से करना है। डिफरेंशिएशन का मतलब समझ आ गया ना आपको, होमोजेनस ना होना डिफरेंशिएशन होती है। डिफरेंशिएशन से चॉइसेस कंज्यूमर के पास, ऑप्शन, चॉइस कह लें या ऑप्शन कह लें, एक ही बात है, कंज्यूमर के पास डिफरेंट चॉइसेस ऑप्शंस आ जाते हैं। फिर मोर एफिशिएंट देन मोनोपोली, ये समझने वाली बात है, बताइए परफेक्ट कंपटीशन जो थी वो एफिशिएंट थी कि नहीं थे? अच्छा, तरतीब हमारी जो होती है ना, सबसे ऊपर परफेक्ट कंपटीशन, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फिर ओलिगोपोली, फिर मोनोपोली, सोच के बताना है सबसे ज्यादा एफिशिएंट कंपनी कौन सी है और सबसे ज्यादा इनएफिशिएंट, एफिशिएंट, इनएफिशिएंट, उस हिसाब से सोचिए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को एफिशिएंट होना चाहिए, इनएफिशिएंट, परफेक्ट कंपटीशन के साथ कंपेयर करें, इनएफिशिएंट। लेकिन यहां पे कह रहे हैं एफिशिएंट क्यों, हाँ लेकिन कह रहे हैं देन मोनोपोली, अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को परफेक्ट कंपटीशन से कंपेयर करेंगे तो ये इनएफिशिएंट है। लेकिन कह रहा नहीं, मैं तो एडवांटेज बता रहा हूँ, इसलिए मैं इसे परफेक्ट कंपटीशन से नहीं कंपेयर करूंगा, किससे कंपेयर करूंगा, मोनोपोली के लिहाज से ये एफिशिएंट है। और आपको पता है एफिशिएंट होने का मतलब इकोनॉमिक्स में हम क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट मिनिमम होना, एवरेज कॉस्ट कम, इसको एफिशिएंसी कहते हैं ना। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, एवरेज कॉस्ट कम। तो क्या ये आप इस फीचर्स के बेस पे एग्री करते हैं, एडवांटेजेस सारे ठीक है, नो सिग्निफिकेंट बैरियर्स ऑफ एंट्री, डिफरेंशिएशन की वजह से चॉइसेस ज्यादा भी कंज्यूमर के पास, और ये मोर एफिशिएंट है मोनोपोली की निस्बत। यहां पे अगर आपने लिख दिया ना मोर एफिशिएंट देन परफेक्ट कंपटीशन, 0 नंबर दे देगा इस लाइन के, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपने मोर एफिशिएंट देन मोनोपोली। फिर कह रहा है डिसएडवांटेजेस क्या है,
करेक्ट डिफरेंशिएशन कैन बी अननेसेसरी. रिसोर्सिस स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट कैन बी स्पेंट ऑन अदर यूजफुल प्रोजेक्ट्स फॉर सोसाइटी. क्या मतलब? कहता है एडवर्टीजमेंट करने से क्या होता है, एडवर्टीजमेंट करने से सोसाइटी को कोई फायदा नहीं होता. एडवर्टीजमेंट करने से फायदा किसको होता है? फर्म को. फर्ज कीजिए एक जगह पे दो फर्म्स हैं, दोनों में से एक फर्म एडवर्टीजमेंट कर रही है, दूसरी नहीं कर रही. आप कह सकते हैं क्या कि जो फर्म एडवर्टीजमेंट कर रही है उसको बहुत फायदा होगा, एडवर्टीजमेंट करने से ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट होगी, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसकी सेल बढ़ेगी. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं भाई एक दो कंपनीज है एक जगह पे, एक कंपनी ने एडवर्टीजमेंट की, दूसरी कंपनी चुप करके देखती रहेगी इसको, वो भी एडवर्टीजमेंट करेगी, तो बताइए जब दोनों एडवर्टीजमेंट करेंगी और दोनों एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगी, दोनों सूरतों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर तो एक फर्म एडवर्टीजमेंट करे दूसरी फर्म ना करे, फिर हम कहेंगे यार जो एडवर्टीजमेंट करी है उसको फायदा है. लेकिन अगर दोनों एडवर्टीजमेंट कर लें, फिर किसी, क्योंकि पहले भी कस्टमर पूरी जितने भी उस मार्केट के इन्हीं दोनों के पास आने थे, अगर एडवर्टीजमेंट ना करते तो भी सारे कस्टमर इन्हीं दोनों फर्म के पास आने थे. एडवर्टीजमेंट करती हैं दोनों फर्म फिर भी इन्हीं के पास आने, तो बताइए क्या एडवर्टीजमेंट करने से कोई फायदा हुआ? उल्टा उनके पैसे रिसोर्सेज जाया हुए. इसलिए कहते हैं एडवर्टीजमेंट से इकोनॉमिकली सोसाइटी को कोई फायदा नहीं होता, कोई नई चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है. और अगर तो कुछ फर्म एडवर्टीजमेंट करें कुछ ना करें फिर चले बात समझ आती है. जब मार्केट में सारी फर्म ने एडवर्टीजमेंट करनी है तो जब सारी फर्म एडवर्टीजमेंट करें या ना करें दोनों एक बराबर हो जाता है. ये कंसेप्ट समझ आ रहा है? तो कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि एडवर्टीजमेंट से कोई ऐसी यूजफुल गुड या सर्विस प्रोड्यूस नहीं होती, इससे तो सिर्फ कंज्यूमर की अवेयरनेस है, बल्कि अब आजकल एडवर्टीजमेंट का पर्पज अवेयरनेस नहीं है, ठीक है. वो तो कंज्यूमर को कन्विंस करने के लिए वो अजीबोगरीब किस्म की एडवर्टीजमेंट होती है, वो अपनी भलाइयां कम और दूसरे की बुराइयां ज्यादा कर रहे होते हैं. तो कहता है एडवर्टीजमेंट अननेसेसरी. आप सारी फर्म एडवर्टीजमेंट ना करें फिर भी वही सिचुएशन है, सारी फर्म एडवर्टीजमेंट करें फिर भी वही सिचुएशन है, कंज्यूमर तो उधर ही रहेगा. टोटल कंज्यूमर जो है उन्हीं फर्म्स के पास जाना, उसने एडवर्टीजमेंट के बगैर भी और एडवर्टीजमेंट के साथ भी. डिफ्रेंसिएशन कैन बी अननेसेसरी. समझ आया? अगला कंसेप्ट, प्राइसेस आर हायर एज कंपेयर टू. प्राइसेस आर हायर एज बताइए, और अगर मैं कहूं प्राइसेस आर लोअर एज कंपेयर टू मोनोपोली, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस सबसे कम है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उससे ज्यादा, ओलिगोपली में उससे ज्यादा, और मोनोपोली में. अब बताइए हर दूसरे तीसरे महीने है किस चीज की प्राइसेस हैं जो चेंज होती रहते हैं? वैसे तो हर चीज की है, लेकिन सबसे ज्यादा पेट्रोल की प्राइसेस भी चेंज होती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी चेंज होती है. टमाटर की हर दूसरे तीसरे महीने नहीं होती, वो तो अभी हुई है ना. बिजली की प्राइसेस आप देखें हर दूसरे तीसरे महीने इंक्रीज होते हैं, किस लिए? क्योंकि वो मोनोपोली है. अगर यही परफेक्ट कंपटीशन होता, हजारों फर्म इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही होती, एक फर्म प्राइस इंक्रीज करती, कंज्यूमर दूसरे के पास चले जाते. तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा प्राइसेस किस में हाई होती हैं? मोनोपोली में. और सबसे कम प्राइसेस किस में होती हैं? हम जहन में रखिएगा, बता रहे हैं डिसएडवांटेजेस. तो हमने क्या बताया है, प्राइसेस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हाई हैं किसकी निस्बत? यहां पे देखिएगा कंपेयर किसको कर रहे हैं, यहां पे मोनोपोली के साथ कंपेयर करके एडवांटेज बनाया, यहां पे परफेक्ट कंपटीशन के साथ कंपेयर करके डिसएडवांटेज. भाई कुछ समझ आए? कंसेप्ट तो यही है, उसी की बेस पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं. आगे चल, इक्विलिब्रियम. गेस कीजिए, शॉर्ट रन में तो ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, वो तो हर फर्म का असूल होता है ना. शॉर्ट रन में नॉर्मल भी हो सकता है, सुपर नॉर्मल भी, सब नॉर्मल भी. लॉन्ग रन में कौन सा प्रॉफिट होगा साबित करें. ये तो मैंने लिखा होगा ना, आपने कह दिया नॉर्मल प्रॉफिट होगा, साबित करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होगा. इस जी जी
जी हाँ, क्योंकि अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन में सब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ भी, मुझे बताइए दाएं बाएं वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं, फर्म्स हैं, वो देखेंगे यार इसके तो ये तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रन कर रही है, बेतहाशा प्रॉफिट, हमारे बिजनेस में तो प्रॉफिट नहीं है, वो क्या करेंगे? वही कर वही क्या आसानी से आ सकते हैं? हाँ थोड़ी बहुत, लेकिन आ सकते हैं, ज्यादा तादाद में सेलर आ सकते हैं। तो बताइए लॉन्ग रन में वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दोबारा नॉर्मल नहीं हो जाएगा? लेकिन अगर कभी ऐसा होता कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली फर्म बैरियर्स ऑफ एंट्री हाई रख पाती के ज्यादा प्रॉफिट देख के दूसरी फर्म इस सेक्टर में ना आए, तो उस सूरत में लॉन्ग रन में भी इसका प्रॉफिट सुपर नॉर्मल होता। लेकिन चूंकि बैरियर्स ऑफ एंट्री ना होने के बराबर है, ऐसे ही ना होने के बराबर, तो दूसरी फर्म प्रॉफिट को देख के इधर आएंगी, तो जाहिर है वो उसका शेयर का हिस्सा खाएंगे, उसके प्रॉफिट का, सैलर ज्यादा होंगे, सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम, वही सिस्टम जो हमने कल पढ़ा था जी। तो इक्विलिब्रियम समझ, अब एग्जाम में आपसे पूछेगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का इक्विलिब्रियम बताइए लॉन्ग रन में, नहीं बताएगा नॉर्मल प्रॉफिट है, सुपर नॉर्मल या सब नॉर्मल, कौन सा बनाएंगे? और अगर कहे कि शॉर्ट रन में बनाए, तो नॉर्मल भी बना सकते हैं, सुपर नॉर्मल भी, सब नॉर्मल भी। इक्विलिब्रियम क्लियर हुआ? यहां तक कोई प्रॉब्लम समझ आ रहा है? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ ले, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है जो एंड में बताने जा रहा हूं। उसके लिए जरूरी है कि पहले वाले कंसेप्ट हमारे क्लियर हो, ये ना हो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज समझना हमने वो भूल जाए। भाई क्लियर है वो कंसेप्ट? जी मेरे भाई, नहीं नहीं परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड इन इलास्टिक नहीं होती, परफेक्ट कंपटीशन में तो डिमांड इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्ट कंपटीशन में तो सीधी लाइन थी एवरेज रेवेन्यू की, एवरेज रेवेन्यू कर्व भी हमारा डिमांड कर्व होता है ना, परफेक्ट कंपटीशन में तो सीधी लाइन थी हॉरिजेंटल, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसे क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। नहीं नहीं खुदा का होफ कर रहे हैं यार, ऐसे भूल गए आप, और चैप्टर थ्री आप रिवाइज करना पड़ेगा, चैप्टर थ्री खंबा याद नहीं, खंबा वो खंबा क्या था हमारा? इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक, इन टिक, इन इलास्टिक टिक, इन इलास्टिक टिक, इलास्टिक और टिक, परफेक्टली इलास्टिक। भाई ना ज्यादा ना करे गिर जाएंगे, वो गिरने लगा था उसमें अभी, ठीक है परफेक्टली। तो ये परफेक्टली इलास्टिक जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर परफेक्टली इलास्टिक था, और मोनोपोलिस्टिक में इन इलास्टिक। ओलिगोपोली में बताइए, अच्छा चलें एक क्वेश्चन पूछने लगा हूं, अगर आपने आंसर कर दिया तो आप आज के इकोनॉमिक्स के बादशाह। आज और बताएं जिसने आंसर कर दिया, तीन कर्व बनाने लगा हूं, सोच के जवाब देना है, पहचानना है कौन सा कर्व मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है, तीनों एवरेज रेवेन्यू कर्व होंगे या डिमांड कर्व, कौन सा ओलिगोपोली का है और कौन सा कर्व मोनोपोली का है, ए बी सी। ए कर्व बताइए है तीनों डाउनवर्ड, क्योंकि स्ट्रेट तो सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन का होता है ना, ए किसका है? गलती कर गए ना, सुनिए सुनिए, इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक किसका था? परफेक्टली इलास्टिक किस फॉर्म का था? परफेक्ट कंपटीशन का। ये क्लोज टू परफेक्टली इलास्टिक है, तो ये किस फॉर्म का होगा? मोनोपोलिस्टिक का, और ये उससे ज्यादा इन इलास्टिक है, और ये सबसे ज्यादा इन इलास्टिक मोनोपोली का। अलहदा अलहदा अगर आप बनाए ना, अलहदा अलहदा, तो ये तीनों डाउनवर्ड होंगे, डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होगा कि कौन सा मोनोपोली का कैसा होता है और परफेक्ट ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कैसा होता है। लेकिन अगर कंपैरेटिव फॉर्म में बनाए ना, तो याद रखिए मोनोपोली का डिमांड कर्व ज्यादा इन इलास्टिक है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कम इन इलास्टिक है। जी क्लियर हो गए यहां तक कंसेप्ट?
अगर आप कहें तो आखिरी कंसेप्ट सिखा दूं। ये हमारे पास 5 मिनट है, समझ आ जाएगा आसानी से। नहीं नहीं, असल में देख ले, मुझे कोई कल पे पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन कल फिर सारी कहानी दोबारा बतानी पड़ेगी, वरना वो यहाँ तक बात पहुँचते पहुँचते टाइम लग जाएगा। वो कहता है कि क्या फर्म का इक्विलिब्रियम जो हमने बनाया इसको चेंज किया जा सकता है। ये कंसेप्ट हम ना इससे पहले चैप्टर में पढ़ेंगे ना इसके बाद पढ़ेंगे। क्या चेंज किया जा, सुनिए। कहता है बिल्कुल फर्म इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता। कैसे? कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए या फर्म की कॉस्ट यानी एवरेज कॉस्ट चेंज हो जाए। जरा गौर से सुनेगा, अटेंटिव होके सुनेंगे, आसानी से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। कह रहे अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए, फर्म इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, जरा सुन। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई, पहले बताइए रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा कॉस्ट पे? शाबाश, रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा। कह रहे मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों इंक्रीज हो जाएंगे, एग्री करते हैं? अच्छा, प्राइस और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हो जाएंगे, वो डायग्राम बना के देख लें। और फर्म का प्रॉफिट क्या होगा? क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गई। क्लियर हो गया? आइंदा अगर आपसे पूछे बताओ कि फर्म के इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो जाए, आपने कहना है पहली चीज क्या रेवेन्यू इंक्रीज होगा कि कॉस्ट? आपने कहना है एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीज, प्राइस एंड क्वांटिटी भी इंक्रीज। वो चाहे डिमांड की डायग्राम आपने जहन में ले आए, डिमांड की कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होती है, प्राइस भी बढ़ी क्वांटिटी भी बढ़ी, तो फर्म का प्रॉफिट, क्योंकि देखे सोचे रेवेन्यू बढ़ रहा है कॉस्ट उतनी ही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है कॉस्ट तो उतनी ही है, इसीलिए फर्म का प्रॉफिट क्या होगा? क्लियर हो गया? मुश्किल तो नहीं था। आगे कहते हैं फर्म की कॉस्ट बढ़ गई, फर्म की कॉस्ट बढ़ गई, तो मुझे बताइए इफेक्ट रेवेन्यू पे आएगा कि कॉस्ट पे? मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों इंक्रीज कर गई, मार्जिनल कॉस्ट भी एवरेज कॉस्ट भी। अच्छा, कॉस्ट बढ़ी तो फिर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। प्राइस इंक्रीज किस वजह से होगी? जरा देखिए कि जब सप्लाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने से, वही मार्केट इक्विलिब्रियम, सप्लाई पे क्या फर्क पड़ता है? सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ता है? देखें वही है ना, और प्राइस पे क्या फर्क पड़ता है? वही है। ये सिंपल, ऐसे आप डिमांड के हिसाब से समझे, डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम से कह रहा है, लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। इधर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा था, क्यों? क्योंकि रेवेन्यू बढ़ गया था, कॉस्ट उतनी ही थी, बढ़ गई है, ज्यादा बढ़ती है। अगर आपसे पूछे कि बताओ एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो गई, फर्म के इक्विलिब्रियम या प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, बता देंगे? ये है फर्म के इक्विलिब्रियम, ये है रीजन, ये है फर्म के इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क और ये प्रॉफिट पे क्या फर्क। भाई मुश्किल बात तो नहीं थी, मैं ऐसी शाबाश। तो फिर मुझे बताइए अगर फर्म की कॉस्ट इंक्रीज हो जाए क्या फर्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे? मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्राइस एंड आउटपुट, प्राइस बढ़ जाएगी आउटपुट कम हो जाएगी, नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट है? कम हो जाएगा। ये जिंदा है, इनको आके देखें। कलब कलब में पढ़ा रहा हूं। चलिए ये क्लियर हो गया आपको? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। देखिए आपने